आप दिन की शुरुआत आपके साथ हो गई है मेरी, और आज जो मैंने ब्लॉगिंग शुरू मतलब अब मैं जो बनाना शुरू करी है तो मुझे खुद अच्छा लग रहा है। चलो आज कम से कम शुरुआत दोबारा हुई है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? एक हफ्ते से मेरा व्लॉग आ नहीं पाया और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बिजी था। एक हफ्ते में मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी उत्तम नगर में, फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया था उनको। हफ्ता इसी में गुजर गया मेरा। और आप मानोगे नहीं, उस एक हफ्ते में मैंने, पता है, ब्लॉगिंग शुरू कर चुका हूँ। उस एक हफ्ते में मुझे एक ऐसा अधूरापन सा लगा जैसे कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। इतना दूर काफ़ी है कैमरा, ऐसे ज़्यादा पास आ गया था इतना दूर। हाँ तो मैं बता रहा था आपको, एक हफ्ता जो ये एक हफ्ता मेरा बीता है, इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी। जब बंदा एक नया काम शुरू करता है ना, अब जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, एक बहुत मतलब एक नई शुरुआत है। ब्लॉगिंग ऐसी चीज़ है कि आप लोग जब शुरू करते हो तो आप लोग को खुद भी अच्छा लगता है कि आप अपने आप को एक प्रेजेंट करते हो दुनिया के सामने कि आप क्या हो, आपकी क्या लाइफ है। इस एक हफ्ते के अंदर ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैं जो व्लॉगिंग नहीं कर पाया ना एक दिन भी, मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं मतलब जो मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है व्लॉगिंग करना, वो जो नहीं हो पाया, ऐसा लगा पता नहीं क्या ही, मतलब कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा मतलब। मान लो अगर किसी बंदे का लाखों रुपए का नुकसान हो जाए तो उस पे जो बीतती है ना, वो चीज़ मेरे साथ हो रही थी। लेकिन कसम से मैं आपको बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं व्लॉगिंग करता हूँ और अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। छोड़ो वो तो, चलो नहीं बन पाया व्लॉग भी, जो डाइटिंग की बातें मैं आपसे करता हूँ ना, वो डाइटिंग भी पूरी मेरी ख़राब, जो हमेशा मैं बोलता रहता था हाँ भी ये नहीं खाओ वो मत खाओ, मतलब वो तो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। मैं खुद एक हफ्ते में इतना पता नहीं कैलरीज गेन करी है मैंने कि, और जिम उल्टा जिम भी नहीं जा पाया मैं इस एक हफ्ते में। हॉस्पिटल में भी रहना था, फिर आपको पता ही है आदमी की नींद, बंदे की नींद तो पूरी होती नहीं है। वो बंदा जैसा भी मतलब कहीं और सोता है, कुछ भी करता है, सही से मतलब रेस्ट नहीं ले पाता सही से, कहीं कहीं पे भी होने की वजह से। तो जिम भी नहीं जा पाया और डाइटिंग भी खराब इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकता, कभी कुछ कभी चाय कभी क्या पता नहीं, कुछ ना कुछ चल चल रहा था हमेशा। तो ये सीन हो गया था। अब देखो आज तो जिम, आज भी जिम नहीं जा पाया क्योंकि वो 2-4 दिन का जो ढंग से पूरा बदन टूटा है ना मेरा, जो पूरा रेस्ट मैं नहीं ले पाया। आज सोच रहा था जाने की, लेकिन अभी मतलब मेरे को ना एक चार्ट पेपर बनाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं भी कई बार खाने के ऊपर मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाता क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो मुझे भी बहुत ज़रूरत है कि मैं एक चार्ट बनाऊं खाने पीने का जो डाइट से रिलेटेड है और जिससे मेरी कैलरीज बर्न होने में मुझे मदद करे, मेरी कैलरीज ज़्यादा हाई ना हो जाए। फिर खाऊंगा ना, फिर फैट का फ़ायदा नहीं है ना, फैट ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो वो भी बताऊंगा। अभी एक बंदे को जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ ना, एक भैया है, आप सब भी जानते ही हो उनको, उन्होंने अभी कल को या कल या परसों को शायद वीडियो डाली है कि उन्होंने जिम में 30 डेज में, 1 महीने में 8 किलो 8 kg उन्होंने वेट अपना लॉस किया है। वो आप जान गए होंगे, जो लोग फॉलो करते हैं वो जान गए होंगे उनको कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ देखने के बाद ना और ज़्यादा इंस्पिरेशन आती है बंदे के दिमाग के अंदर, बंदे में ऐसी चीज़ देख के और इंस्पिरेशन आती है कि भैया ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए उनकी वो वीडियो अभी तक मैंने देखी नहीं है, टाइटल देख के ही मुझे मतलब इतना अच्छा मतलब लगा कि भाई 1 महीने में 8 किलो कम, कमाल की बात है। जैसी बनाते खाने पीने की, उसके बावजूद उन्होंने 8 kg कम किया है अपना, यार बहुत बड़ी बात है कि बाहर जाके ब्लॉग भी बनाओ खाने पीने का और 8 kg कम भी करो, बहुत मुश्किल है मेरे जैसे के लिए कि मैं कुछ खाने के बिना खाने खाए भी मैं वैसा ही रहता हूँ, इतनी जल्दी मैं पतला भी नहीं हो पाता।
आपके पास आया हूँ मैं, जो आप जिसको जानते हो, मेरा प्रिय मित्र मुकुंद अभी आने वाला है, बहुत लेट कर रहा है, आदत है इसकी लेट करने की। ये भाई साहब जी पता नहीं कितनी देर और लगाएंगे आने में। तो अभी तो भाई शोर भी बहुत आ रहा है मेट्रो की वजह से, और अभी मैं तिलक नगर जा रहा हूँ अपने दोस्त को लेके, मुकुंद को लेके तिलक नगर जा रहा हूँ। उसको क्या है कि अभी आपको बाद में बताएंगे कि किस काम से हम तिलक नगर जा रहे हैं। तो भाई साहब को उत्तम नगर में जाम मिला है, ये देखो। तो भाई जाम था, बिल्कुल था, मंगल में जा रहे ऊपर से उत्तम नगर में स्कूटी चला रहा है। आर एस मा रोड में इसको वो जाम मिला है। उत्तम नगर में स्कूटी चला रहा है, बहुत औखा काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपने उत्तम नगर में स्कूटी चलाई है, आप दोनों नगर में स्कूटी चला सकते हैं। ओवर टू मयंक, मयंक के लाइन्स पे धुंध आ रही है पर उसका पता नहीं चल रहा, बहुत ही इसको धुंध नहीं कहते, इसको लाइट की लाइटिंग है। मयंक जी ब्लॉग चालू कर, हमें बहुत खुशी है, हमारा एक मित्र जो कि सहयोगी था अरीना में 2.5 साल से, फ़ोन तक उठाने से इनकार कर दिया उसने आज। तो देखिए दोस्तों, दोस्ती में अगर पैसा आ जाए तो कितनी बड़ी दूरियां हो जाती है। मतलब व्लॉग बन रहा है तो कुछ भी बोलना है? कुछ भी नहीं बोलना है, लोगों को माध्यम, इस कैमरे के माध्यम, महेंद्र जी के माध्यम से बताना, लोगों तक क्यों जा रहे हैं, लोगों तक बात बताना चाहता हूँ कि दोस्ती करे तो साथ रहे, नौकरी साथ करे, नहीं फिर पता नहीं कुछ भी हो सकता है। सही बात है, कुछ भी बता महेंद्र जी, और कितने दुख सहे आपने? बहुत दुख सहे, बहुत दुख सहे। अभी यहाँ पे शोर आ रहा है तो बाद में व्लॉग करते हैं दोबारा। नहीं, बिल्कुल बाद में नहीं करेंगे, करेंगे ठीक है, बाद में करेंगे। तो भाइयों हम आ गए हैं, जा रहे हैं तिलक नगर, हाँ मतलब आके जा रहे हैं तिलक नगर मेट्रो स्टेशन वापस। हम यहाँ पे आए थे शूट की बात करने के लिए, आप अपनी टिप्पणी दीजिए। और टिप्पणी तो मैं घर भूल गया जी। कोई नहीं, अभी आपको दिखाते हैं हम, कुछ खाना पीना तो है ही है यहाँ पे तिलक नगर। तो भाई बताना किस लिए आए थे आज? हम आज हम आए थे शादी की शूटिंग का पता करने की। अबे यहाँ बोल, शादी की तो वो आवाज़ तो वहाँ तक जा रही है, शादी की शूटिंग का पता करने कि भाई हमको शादी की शूटिंग करवानी है और कैसे कैसे कितने कितने पैसे लगेंगे और सिनेमैटिक शूटिंग कितने में होती है। अरे बस भाई यार, सिर्फ इतना बता भाई, हम आए अपनी बहन की शादी की शूटिंग के लिए। आज थोड़ी है शादी, आज नहीं है, बता मत दियो बरात पहुंच जाएगी। मतलब आज नहीं है, जिस जब जो डेट फिक्स हुई है उसके लिए हम बात करने आते हैं शूटिंग के लिए। देखते हैं, अभी बातचीत आगे बढ़ी नहीं है, वो हमारे घर भी आएंगे बातचीत करने। तो बस हमने एक ब्लॉग बना लिया है आज, चलो एक ब्लॉग हमारी लाइफ के आज दिन के ऊपर। तो यहाँ अंधेरा भी बहुत है यार। मैं आप बताइए, आपने पूरे दिन में आज क्या किया अपने व्यूवर्स को आज उनका पूरा आके जानने का? पूरे दिन में यार, जैसे शुरुआत कैसे की आपने? शुरुआत मैंने यार अपनी वीडियो की करी थी यही बोल के कि भाई मेरे को जो एक हफ्ता पीता था हॉस्पिटल में थी मम्मी इस चक्कर में। अब मम्मी जी ठीक है आपकी? हाँ बहुत बढ़िया। प्लीज़ व्यूअर्स दुआ कीजिए कि सबकी मम्मी खुश रहे और सबको हेल्दी रखे भगवान। हाँ सही बात। बताइए अब क्या, और बताइए आज क्या किया? यही कहा था कि उनको मैं बता भी रहा था, जैसे अपना एक बंदे के बारे में तुझे भी बताया था मैंने कि वो 8 kg कम किया उन्होंने, भाई यही बात थी। अभी मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, दोबारा से करता हूँ मैं। नहीं नहीं अभी करते रहो, रुकना नहीं है, आदत होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा। नहीं 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 रुकना नहीं है, ऐसे स्टैंड कोई नहीं करके रखो, लोग ऐसे पकड़ते हैं कोई नहीं करके रखो, शर्म कर ले। कुछ मोटिवेशन बात है अगर कैमरे के सामने बोली जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सही बात है, तो ना मेरी सैलरी वगैरह आती है तो मम्मी कहती है, तो मैं हमेशा सैलरी घर पे मम्मी के हाथ में दे देता हूँ और उनसे पॉकेट मनी लेता हूँ ताकि वो आदत बनी रहे, बचपन से मैं ये करता हूँ ताकि वो आदत बनी रहे और अपने आप को लोग थोड़ा कमाते तो कुछ भी समझने लग जाते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो ऐसा होना चाहिए। मैंने भी कई बार ऐसे किया है। अगर आप हमेशा अपने माँ के साथ वैसे रिलेशन चाहते जैसे हमेशा था तो यू हैव टू कीप इट दैट वे ना। सही बात, हमेशा वैसे रहना चाहिए। और मेट्रो स्टेशन खाली देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कभी भी तिलक नगर का मेट्रो स्टेशन इतना खाली मैंने कभी नहीं। अब ये भाई साहब उतरेंगे, हमारी नज़र कमज़ोर है, 11 बज चुके हैं टाइम, इट्स 11 नाउ एंड मैं बहुत थक चुका हूँ, ऑफिस से सीधा आया था पर जो काम के लिए आया था वो काम हो गया और बात हो चुकी है। एंड देन वी विल सी, अब महंगी घर जाएगा अगर, अब घर जाके तो भैया आप सोएंगे और अभी मैकडोनल्ड से बर्गर पैक करके आएंगे। रात को ये सोते हैं, सोते हैं लोग, सोते हैं।
नहीं वैसे जग भी सकते हैं, मर्जी है, काम है तो जग भी सकते हैं। हाँ पर मेरे ख्याल से सबको जल्दी सो जाना चाहिए। हाँ बट अगर शूट का काम हो तो, वो तो काम नहीं फिर वो तो कोई है नहीं काम हो तो। पर अभी हम घर पहुँचने वाले हैं, ये उतरेंगे उत्तम नगर, मैं उतरूँगा द्वारका मोड़, और मैकडोनल्ड से बर्गर पैक करवाया है, रास्ते में खाते हुए जाएंगे। इन्होंने जानबूझ के बताया ताकि आपको लगे कि हम अच्छे घर से हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो देखो ऐसी अच्छे बात है। और मेरा ना व्लॉगिंग करते समय हमेशा हाथ दुखता है, मैं बार बार मतलब ट्राइपॉड की याद आती है यार। नहीं नहीं मेरे ख्याल से ट्राइपॉड में ऐसे नहीं है कि हाथ ट्राइपॉड में ऐसे बंदा पकड़ सकता है, कुछ नहीं होता। तो ऐसे अभी स्ट्रगलिंग डेज है दोस्तों, इसको समझाओ, स्ट्रगलिंग डेज में ऐसा होता है, आपको चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जाके करनी पड़ती है, अपने छत अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे फिर कैसे ग्रो करोगे, यू हैव टू ग्रो, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको ये हरकतें करनी पड़ेगी जो भाई साहब कर रहे हैं, समझे आप? सही बात है। और जो अभी हमने बात कही ना मोटिवेशन वाली, वो मतलब जो अभी पॉकेट मनी वाली, जो पेरेंट्स से लो और अपने पैसे हमेशा पेरेंट्स की जेब में डालो हमेशा। हाँ और इससे पता है आप कि वो चाइल्डहुड बना रहता है अपने घर पे, इनोसेंस बनी रहती है, और वो एक चीज़ एक टाइम पे जाके हेल्प करती है। नहीं तो आपके सर पे जब आप नया नया कमाना शुरू करोगे ना, तो आपके सर पे इतनी जल्दी चढ़ेगा ना वो जिस सर पे कि मैं कमा रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो गया। नहीं कमा रहे आपके पेरेंट्स बचपन से आपको खिला पिला के बड़ा, कमा तो वो भी रहे हैं और खर्चा भी कितना किया है, लेकिन कभी गिनाना मत पैसे कि आप कितने भी खर्चे, आप 50 रुपये कमाओ चाहे 50,000 कमाओ, हमेशा पेरेंट्स को पैसे दे दो और उनसे पॉकेट मनी। हाँ जी उनको भी अच्छा लगेगा कि बच्चा जो हमारा कहना मानता है, और वो कल के दिन उनको खुशी होगी, प्राउड मोमेंट है। और आपने हर ब्लॉग में मेरे को मतलब आपने हर बार देखा होगा मेट्रो आ चुकी है, देखिए पिछले मेट्रो कई दर्शन दिल्ली मेट्रो, और पेड़ प्रमोशन कोई नहीं है, कोई पैसा नहीं दिया मेट्रो वालों ने, सारा फ्री के प्रमोशन कराए जाते हैं, सानू वीडियो बनाने तो बना चल रहा है। ये मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, ये मेरा बहुत ही अच्छा भाई है, गलती से पीटी से पंजाबी लग गया, मैं माफी चाहता हूं। हां कोई बात नहीं, तुसी खुल के पंजाबी बोलो, ठीक है। हां तो भाई लोग आज मतलब कल मैं एंड कर नहीं पाया व्लॉग का, और कल का पूरा दिन बिजी ऐसा बिजी रहा कि बस पूछो मत, पता भी नहीं चला, और पूरा टाइम भी नहीं दे पाया मैं आपको, तो इसी के साथ अभी एंड करता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टेक केयर, बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर भी करते रहना, ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, तो बाकी आप अपना ख्याल रखिए, हमेशा वेल एंड गुड रहिए और बढ़िया रहिए, ज़िंदगी में टेंशन जितनी भी है सब हटा दो भगा दो, बाय बाय।